Students, now we go through the chapter number 19, that is has or have. Now in this chapter we learn about when you have to use has or when you have to use have in your sentences. Okay, read the sentences given below. Molu the monkey has a long tail. In this sentence they are talking about one monkey, that's why we have to use has. In the second sentence, Rita and Meena have long hair. They are talking about the two girls. That's why they use here have. Now see, if you read the sentences, we use has when we talk about one person, place, and thing or animal. When we talk about more than one person, place, thing or animal, we use have. मीन्स जब हम कोई भी एक चीज़ वन थिंग्स के बारे में बात करते हैं, सिंगुलर है कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना है, हैज. When we talk about more than one person, one place, thing or animal, we use have. When we are talking about more than one person or thing, at that time we have to use have. जब भी हम कोई एक से more than one anything, जब भी हम कोई चीज़ एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हमें have यूज़ करना है. और जब भी कोई सेंटेंस में एक ही वन पर्सन वन प्लेस यानी कोई भी एक प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई भी एक थिंग्स की बात कर रहे हैं, कोई एक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज़ करना है, has. ओके, क्या यूज़ करना है, has. याद रखना सिंगुलर है कोई भी सेंटेंस तो हम has यूज़ करेंगे, अगर वही सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो हमें have यूज़ करना है. नाउ सी, and one thing you have to remember in mind, I, आपको I के साथ always have use करना है. With I and you, we always use have. The box given below show the correct use of has and have. With I and you, you have to use have. With I and you, what you have to use? You have to use have. हमें I और you के साथ always have use करना है. Now see, I have strong bones. We have strong bones. You have strong bones. Bones means हड्डी, हमारे पास strong bones, हमारे bones strong है. They have strong bones. Mohit and Nidhi have strong bones. Here देखो यहाँ पे more than one person की बात कर रहे हैं तो हमें क्या use करना है, have. They मतलब अपने सब आ जाते हैं, they means, तो वो भी क्या आएगा उसमें भी have. You के साथ हमें सब, you और I के साथ always आपको have use करना है. We यानी कि हम सारे आ गए उसमें तो हम क्या यूज करेंगे, हैव. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वन पर्सन वन एनिमल और वन थिंग, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज हैज. ही हैज, सी हैज, मोहित हैज, निधि हैज, ये सारे क्या है, एक है, एक ही पर्सन की बात की है ना. नाउ सी द एक्सरसाइज, फिल द ब्लैंक्स विद हैज और हैव. फर्स्ट वन, a butterfly has beautiful wings. Here in this sentence they talk about one butterfly. एक butterfly की हमने बात करी तो हमने क्या लिखा, has. Second one, the boys, they are talking about more than one boys. यहाँ से एक से ज़्यादा की बात करें, plural form में है तो इस sentence में हम क्या लिखेंगे, have. The boys have new bats. थर्ड वन, सी हैज गोल्डन हेयर. एक गर्ल की बात करी ना, वन सिंगुलर है, वो अकेले की बात करी, एक ही गर्ल्स की बात करी, एक ही गर्ल की हमने बात करी तो हम क्या लिखेंगे, हैज. फोर्थ वन, द ओल्ड मैन हैज अ बिग अम्ब्रेला. एक ही ओल्ड मैन की बात करी है ना हमने तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज. एन एलिफेंट. फिफ्थ वन, एन एलिफेंट हैज बिग ईयर. कितने एलिफेंट की बात करी, भले उनके ईयर्स मोर देन वन है लेकिन हमने कितने एलिफेंट की बात करी, वन एलिफेंट ना. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट हियर एच एज हैज. सिक्स्थ वन, यू. मैंने आपको कहा क्या कहा, आई और हैव यू के साथ हमें ऑलवेज क्या यूज करना है, हैव. यू हैव अ लवली स्माइल. लवली मीन्स प्यारी, कितनी प्यारी स्माइल है आपके, ऐसे बोलते हैं ना आपको कोई. सेवेंथ वन, दीज गर्ल्स हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM इन द मॉर्निंग. अब देखो यहाँ पे टेबल पे वन टू टू गर्ल है, टू गर्ल्स ना. अब यहाँ पे गर्ल्स दिया है, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस में नेमिंग वर्ड्स में टू हो तो हमें क्या यूज़ करना है, हैव. क्या यूज़ करना है, और हैव. और दीज, जब भी कोई सेंटेंस मोर देन वन होते हैं कोई भी चीज़ नेमिंग वर्ड्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, दीज. टी एच ई एस ई, दीज. टू टाइप्स ऑफ दिस, देखो द टी एच आई एस दिस और सेकेंड वन टी एच ई एस ई दिस. ये दिस हम क्यों यूज करते हैं, जब भी कोई चीज मोर देन नेमिंग वर्ड्स मोर देन वन होते हैं. आई हैव अ बैड कोल्ड, यानी कि मुझे बहुत बुरी तरह से सर्दी हुई है. नाइन्थ वन, द फिशरमैन हैव बिग बोट्स. फिशरमैन हैव बिग बोट्स, उनके पास अभी एक मैन होता है एम ए एन मैन और सेकेंड वन है एम ई एन मैन. यहाँ पे ना इन्होंने एस तो नहीं लिखा है बट यहाँ पे क्या है एम ई एन मैन. वंस दिस इज मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, एच ए वी ई हैव. टेंथ वन, सी हैज़ टू गो आउट. सी है, एक ही गर्ल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, हैज़.
11th one, Nina has to go for her English class. They are talking about one girl, na? इस picture में एक ही girl है. एक girl की बात करी तो हम क्या लिखेंगे? Has. A parrot has a red beak. हम एक parrot की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? H-A-S. Has. You have a good set of roller skates. You have a good set of roller skates. यानी कि आपके पास roller skates के क्या है? Good tracks. उनके पास क्या है? Good skate. Good set of roller skates. एक ही अब मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? I और you के साथ हम always क्या use करेंगे? Have. I have a test today. Here I. So you have to write here have. 15th one. Mother always has coffee and biscuit in the morning.